बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और साथ ही बेल आइकन को दबाएं मेरा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं और मैं पहले भी कई बार इससे रिलेटेड बातें आपसे शेयर करता रहा हूं कि क्या चीज ऐसी हम खाएं जिससे हमारा गला अच्छा हो जाए, क्या कोई ऐसी दवाई है या खाने में ऐसी किन चीजों का हम ध्यान रखें कि जिससे हम अच्छा गाने लगे। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, बिल्कुल कोई रोल है ही नहीं सिंगिंग में, खाने का और किसी दवाई या मेडिसिन का कोई रोल नहीं है सिंगिंग में। आप कुछ भी खा लो आप अच्छा नहीं गा सकते, कुछ भी खा लो, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको खाने से आपके अंदर स्वर आ जाए, ना कोई दवाई है ना कोई खाना है। और मुझे ऐसा लगता है ना कोई ऐसी चीज है जिसको कि खा लेने से आपकी गायकी चली जाएगी या आपकी गायकी को कुछ हेल्थ को हमारी जो चीज इफेक्ट करती है खाने में, जैसे आप बहुत ठंडा खाएंगे तो आपको अनकंफर्टेबल होगा गले में, बहुत गर्म खाएंगे तो उससे भी आपको ठीक नहीं लगेगा, तो वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज मानी जाएगी कि आपके शरीर को जो चीज अच्छा असर जिसका नहीं है, तो ऑब्वियसली सिंगिंग में उसे हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि इफेक्ट होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपने आइसक्रीम खा ली तो आप अब अच्छा नहीं गा पाएंगे। शुरू में एक्चुअली सभी लोगों के मन में ये सवाल आते हैं, ये बिगनर्स के ही सवाल होते हैं, एक लेवल के बाद आप इस तरह के सवाल ही नहीं करते। तो शुरू में ये सवाल मेरे मन में भी था, लेकिन जब मैंने खुद बहुत सारी चीजें कर करके देखी हैं, मैंने खुद खट्टा भी खाया है, अभी भी खा लेता हूँ, नींबू मुझे बहुत पसंद है, मैं नींबू डेली एक नींबू कम से कम मैं लेता हूँ। और कुछ चीजें जो मैं वैसे खाने के लिए पसंद नहीं करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं नहीं पीता हूँ, वो इसलिए नहीं कि सिंगिंग मेरी खराब हो जाए, इसलिए नहीं, वो मैं पसंद नहीं करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं पिया, मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पिया है, कोई असर सिंगिंग पे किसी भी चीज का मैंने नहीं देखा है। अगर आप रियाज करते हैं तो आपकी आवाज अच्छी रहेगी, रियाज नहीं करते हैं तो आपके सुर उतने अच्छे नहीं लगेंगे। सिंपल सी दो चीजें आप माइंड में रखें कि आवाज को अगर कोई चीज सुर को अच्छा कर सकती है तो वो है रियाज, और ऐसी कोई भी चीज खाने की नहीं है जो आपके रियाज को रिप्लेस कर सके, यानी कि जिसको सिर्फ खा लेने से आप अच्छे सिंगर बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही ऐसी कोई चीज है जिससे आपकी जो है सिंगिंग खराब हो जाएगी, आपके सुर खराब हो जाएंगे। हमारा कई बार गला बैठता है तो हम बोल ही नहीं पाते, बोल नहीं पाते तो गाना कैसे पॉसिबल है। इसी तरह अगर आपको किसी चीज से सर्दी हो जाए जल्दी से, तो ऐसी चीज आप अवॉइड करिए, ऐसी चीज से दूर रहिए कि जिससे आपके गले को वैसी सिचुएशन से गुजरना पड़े। मेरे को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, तो अब खुद को जब सर्दी जुकाम है या कुछ है तो ऑब्वियसली सिंगिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन किसी चीज का डायरेक्ट सिंगिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो आप ऐसी किसी की बातों में ना आए कि आप कुछ खा लेंगे तो उससे आप अच्छे सिंगर बन जाएंगे। जैसे हम हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छी चीजें खाते हैं इससे कि हम स्वस्थ रहें, तो वो चीजें हमें हमेशा फायदा करती हैं, लेकिन शारीरिक रूप से, एज ए सिंगर या सिंगिंग के लिए नहीं। अगर कोई कहता है कि आप मुलेठी खा लीजिए, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, मैंने देखा है कि मुलेठी भी मैंने टेस्ट किया है, लेकिन वो कोई ऐसी परमानेंट चीज नहीं है। आप थोड़ी देर अगर कोई भी खट्टी या ठंडी चीज भी खाएंगे तो थोड़ी ही देर उसका असर रहेगा, उसके बाद उसका असर नहीं, आप नॉर्मल आपका गला हो जाता है, खट्टा कुछ खाया आपने तो थोड़ी देर उसका असर रहेगा गले में, इसी तरह मुलेठी का भी थोड़ी ही देर असर रहेगा। तो ना कोई चीज गला खराब कर सकती है, आवाज खराब कर सकती है, ना ही कोई अच्छा कर सकती है, एक ही चीज है वो है रियाज, जिसको ना करने से आपका गाना अच्छा नहीं रहेगा और रियाज करने से आपका गाना अच्छा होगा। तो किसी की बातों में ना आए, अपना
पूरा फोकस रियाज पर करें। तो अभी के लिए इतना ही, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।